अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड येट अगेन वी मेकिंग अमेजिंग रेसिपीज टुडे। एंड बात आती है रेसिपीज़ की, तो हमारे दिमाग में होता है कि वो न्यू ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होनी चाहिए। एंड ऐसी रेसिपीज़ हों जो बहुत वर्सेटाइल हों, ईजी बनाने में भी हों, और ऐसी चीज़ जो हम रेस्टोरेंट में जब खा रहे होते हैं जाकर कि आप घर में भी ईजिली उसको बना सकें। तो आज की रेसिपी थोड़ा उसी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल की। मेरी कोशिश ये होती है कि रेस्टोरेंट के जितने खाने जो आप कैफ़ेज़ में जाके पैसे जाया करके दे रहे होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग इजीली घर में बनाएं। सेम रेसिपी को मैं आपको ये है कि एग्जैक्ट रेसिपी कोशिश मेरी होती है यूजुअली, वैसे है कि सारी रेसिपीज़ के जितने भी आपको सारे कार्ड चल रहे होते हैं ना, सारी ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं, तो समझें कि उसी तरीके से आप लोग ईजिली घर में ना प्रॉपर तरीके से जो मेन कोर्स हो गया, एपिटाइजर्स हो गए, डिज़र्ट्स हो गए, वो बना सकें। आज भी बहुत मज़ेदार सा एक हम बनाएंगे कीश। एंड कीश बहुत मज़ेदार होता है। एंड आजकल आई थिंक हर कोई आई एम सो श्योर दे अवेयर ऑफ कीश। एंड कीश के अंदर बहुत सारी आप सेवरी, स्वीट, जितने भी आप समझें कि अपना फ्यूजन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एंड उसमें बेसिकली एक चीज़ ये होती है कि आपने क्या करना है, शॉर्टर्स पेस्ट्री आर्ट होती है। एंड वो बनाने के लिए बड़ा ना टाइम लगता है, और टाइम इन अ वे कि ये लगता है लोग उसको प्रॉपर एक्सेल कर नहीं पाते। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बड़ा ईजी मेथड है, तो बातें तो हमारी साथ साथ होती रहेंगी। एंड साथ में आपने क्या करना है, कॉल करनी है, कॉल करके मुझे बताना है कि शॉर्टरस पेस्ट्री आप घर में बनाते हैं तो क्या हर्डल्स आते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, तो उससे मुझे लाजमी आपने बताना है। और साथ में स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर फूड प्रोसेसर की मदद से सबसे पहले आपका जो मक्खन है ना वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ठंडा मक्खन होगा, ये समझे कि 11 ग्राम्स का मेरे पास पूरा बार था, तो ये मैं ऐड करूँगा। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। जैसे ही चिल्ड होगा ताकि क्रम्स जो होते हैं ना वो बनने चाहिए आपके मक्खन के, और आपका जो ये मैदा है उसका, ठीक है। ये 100 ग्राम्स किया मेरे पास मक्खन, ठंडा चिल्ड होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर मेरे पास किया मैदा, ठीक है। ये आपने ऐड कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर चला देंगे ताकि ये क्रम्स बनना शुरू हो जाएं। क्रम्स जैसे ही बन जाएंगे फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। इसको ऑल टुगेदर बस आपने करना है, और आपने इसको बनाना किसके अंदर है, आपका जो टार्ट पैन होता है ना उसके अंदर बना सकते हैं, या आजकल एल्यूमिनियम के बॉक्सेस होते हैं उसमें भी बना सकते हैं। सॉल्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा टेस्ट के लिए, अगर सेवरी बना रहे हैं थोड़ा सा ऑब्वियसली इसके अंदर चिकन और ये सारी चीज़ें जाएंगी तो सॉल्ट जाता है, नहीं तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं अगर आपने डिज़र्ट शॉर्टरस बनानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी भी ऐड करूँगा, यहाँ पर पानी भी रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हमने थोड़ा सा क्रम्बल करना है। क्रम्बल इफेक्ट इसी तरीके से आएगा, ठंडा मक्खन 100 ग्राम्स, यहाँ पर फ्लावर और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसको मैं चला दूँगा यहाँ पर, बस आपने अच्छे तरीके से इसको ऑयल टुगेदर करना होता है। हम चेक कर लेते हैं, ये देखें बड़े बेहतरीन से इसके क्रम्स बन गए। मैं आपको दिखा दूं कि ये लाजमी होने चाहिए, ये जो क्रम्स है ना ये शॉर्टरस की ये पहचान है, इस तरीके से क्रम्स होने चाहिए। ठंडा मक्खन होगा तो ही आपके क्रम्स बनेंगे, मेल्टेड मक्खन आपने यूज़ नहीं करना। बहुत सारी रेसिपीज़ होती है जैसे मेल्टेड मक्खन होता है, तो वो आई वुड से कि उसको ना देखें। अब साथ में एक अदद अंडा जाएगा, अब इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, वापस चला देना है। और ये समझे कि 15 मिनट तक इसको आपने जैसे बनाने के बाद ना इसको रेस्ट लाजमी देना है ये गैस के अंदर, और साथ ही में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे बहुत हल्का सा, ताकि बस ये ऑल टुगेदर हो जाए। आप देख सकते हैं होना शुरू हो गया ऑल टुगेदर। अब इसको मैं कर दूंगा बंद, ये देखें बेहतरीन सा आपका जो डो है ना यहाँ पर हो गया रेडी। अब इसको हमने क्या करना है, निकाल के मैं यहाँ पर इनफैक्ट इसी बोल के अंदर रख दूंगा ताकि आप लोग ईजिली जो है ना इसको फ्रीज कर सके। अच्छा, ये है टार्ट पैन जो इजीली आप देख सकते हैं नीचे से निकल भी जाता है, इसके अंदर बनाएंगे। अवन हमारा 180 डिग्री प्रीहीटेड है, सामने इसी तरीके से जो पैन है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, और साथ में मेरे पास ये पूरा का पूरा जो डो है ये हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ये लें आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि इसको निकाल के हमने क्या करना है, सारा का सारा ये जाएगा फ्रिज के अंदर। अच्छा, तो ये क्या, आप इसको थोड़ा सा क्लिंग कर लें क्लिंग रैप की मदद से, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे इसको वैसे ही रख देते हैं, ठीक है जी। और मैं फ्रीज़र में इसको रख दूँगा, और यही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ है ये, ठीक है, कोई इसमें लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मैं रख दूँगा अब यहाँ पर फ्रीज़र के अंदर ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। अगर आपके पास ऑब्वियसली टाइम है
तो 15 मिनट्स आपने इसको अच्छे तरीके से क्लिंग लाजमी करना है। जैसे क्लिंग करेंगे तो होगा ये कि इसमें रेस्टिंग, जिस तरीके से आप डो को रेस्ट देते हैं वैसे आपने करना है। साथ ही में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, इसके अंदर कच्चे अंडे भी ऐड होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सारे जितने भी मेरे पास इन्ग्रीडियंट्स मेजन प्लस हुए हैं, एंड देख सकते हैं आप चीज़ है, क्रीम है, दूध है, एंड इसको आप क्या कर सकते हैं प्रॉपर फिलिंग आपकी मर्जी है कुछ भी ऐड कर लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ भी ऐड होगी, चिकन लेफ्ट ओवर कोई भी ले लें, जो मैंने अभी मलाई पॉकेट्स बनाई थी उसका चिकन लेफ्ट ओवर हो गया था तो मैं वही यूटिलाइज़ करूँगा। और इसके अंदर एक मेन चीज़ जाएगी जो कि है पालक, ये देखें स्पिनच, ये बेबी स्पिनच भी आप ले सकते हैं, फ्रेश पालक लेनी है। इसको थोड़ा सा मैं ब्लांच करूंगा, ब्लांच करके हमने क्या करना है मिक्सचर रेडी करना है। और मिक्सचर किस तरीके से रेडी होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है एक पैन के अंदर सारी चीज़ें जितनी भी हैं उसका आपने मिक्स कर देना है, ठीक है। ये गया इसके अंदर ऑयल, थोड़ा सा लेफ्ट ओवर चिकन, सारा का सार में थोड़ा सा आपने ऑब्वियसली इसको थोड़ा पकाना होता है। और जब भी मैंने हमेशा आपको बताया कोई भी फिलिंग ऐड करें, अगेन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो ठंडी हो फिलिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा लेफ्ट ओवर चिकन है, अगर आपने फ्रेश लेना है तो फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस होकर आता है अगर लेफ्ट ओवर चिकन आपके पास हो। उसी के अंदर सारी सीजनिंग जाएंगी, यहाँ पर थोड़ी सी हर्ब्स और मज़ीद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर, और साथ में थोड़ा सा चिकन पाउडर ताकि फ्लेवर और ज़्यादा बेहतरीन सा इन्हांस हो जाए। इसके अंदर दूध जाएगा, ये लें सारा का सारा आपने दूध ऐड कर देना है। साथ में इसकी जाएगी क्रीम, ये टेट्रा पैक की क्रीम है, लाजमी आपने यूज़ करनी है। और उसी के साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा फ्लार है, मैदा, ये थोड़ा सा मैदा इसी के साथ आप ऐड कर दें। और सारी चीज़ों को आपने क्या करना है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ये बेहतरीन सा आपका जो मिक्सचर है ना रेडी हो जाएगा। अब बस इसके अंदर एक और जो की इंग्रेडिएंट है वो क्या जाएगा, पालक। पालक को मैं ब्लांच करके अंदर डालूंगा, ठंडा पानी हम करेंगे। पानी डालने के बाद जैसे ही आपका प्रॉपर तरीके से बॉइलिंग वाटर हो जाएगा उसके बाद आपने पालक ऐड करनी है। उसके बाद पालक डालें, 1 से 2 मिनट निकाल के उसको ठंडे पानी के अंदर डाल दें ताकि वो बेहतरीन सी ब्लांच हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर सारी की सारी पालक ऐड कर देंगे, जैसे फ्लावर ऐड किए खुद ब खुद थिक होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से इसको पकाएंगे, शॉर्टर्स पेस्ट्री निकाल के प्रॉपर तरीके से पेस्ट्री फैलाएंगे यहाँ पर, उसके अंदर सारे के सारे मिक्सचर जाएगा, पालक भी होगी, और एंड में हमने क्या करना है थोड़े से कच्चे अंडे तोड़ के हम इसके अंदर डालेंगे, चीज़ ऊपर जाएगी, मोज़रेला चेडर ऐड कर लें और इसको हम कर देंगे बेक फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स। अच्छे तरीके से बेक ना, बड़ी जल्दी हो जाती है आपकी शॉर्टर्स पेस्ट्री 180 डिग्रीज पे। और साथ ही साथ जो हमारी दूसरी रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी है, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्पिनच क्वीश, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के अज्जा, मैदा 200 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चम्मच, मक्खन 100 ग्राम, अंडा 1 कदर, फिलिंग के लिए पालक ब्लांच्ड हस्बे जरूरत, बची हुई चिकन हस्बे जरूरत, चीज ऑप्शनल हस्बे जरूरत, फिटे अंडे 2 अदद, क्रीम 1/2 कप, कुटी लाल मिर्च हस्बे जरूरत, दूध 1/2 कप, मैदा 1 खाने का चम्मच, मिक्स हर्ब्स 1/2 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, जिंजर गार्लिक पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारा सारा का सारा मिक्सचर जो है आप देख सकते हैं प्रॉपर रेडी हो चुका है, प्रॉपर फुल क्रीमी एंड चीज़ी ऑब्वियसली, एंड लेफ्ट ओवर कोई भी चिकन आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, ताकि जिसका फ्लेवर बड़ा इन्हांस होके बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर मैंने जो है ना बख्तियार भाई को दे दी है ताकि हमारे कीश की जो ऑब्वियसली शॉर्टेज पेस्ट्री है उसका अच्छे तरीके से पैन पे आप प्रॉपर तरीके से लाइन अप कर लें। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी शॉर्टेज पेस्ट्री जो है 15 मिनट्स और मास्ट टू मास्ट 30 मिनट्स क्लिंग रैप्ड हुई हुई फ्रिज के अंदर वेल रेस्टेड होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मिक्सचर को मैंने क्या कर दिया, चूल्हा कर दिया है बंद ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसी के बाद हमने क्या करना है प्रॉपर
जो शॉर्ट क्रिस्प पेस्ट्री हो गई, पफ पेस्ट्री हो गई, बीट एनी पेस्ट्री, उसके ऊपर लाइन अप करेंगे। अदरवाइज अगर आप वैसे कर देंगे तो पेस्ट्री फटना शुरू हो जाती है। पालक भी यहाँ पर मैंने रख दिया है एंड हल्का सा एक उबाल आएगा, उसके बाद निकाल के सिंपल इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि स्पिनिच है, स्पिनिच का बड़ा बेहतरीन सा एक फ्लेवर आता है। साथ में आज हम बनाएंगे स्मोक चिकन, एंड स्मोक चिकन ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप धुएँ का जो है ना वो स्मोक दें, यहाँ पर सिंपल जो सीजनिंग्स है ना उससे भी हो सकता है, पेपरिका भी जाएगा इसके अंदर, और साथ में ऑब्वियसली वेजेस मेरे पास हैं। ये बड़ा बेहतरीन सा स्नैकिंग आइटम होता है, हाई टी के लिए बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि यूजुअली जैसे मैंने अभी रिसेंटली कल ही जो ब्रेड पॉकेट्स बनाए, बड़े बेहतरीन, एंड इतना लोगों को इतना समझ नहीं आती किस तरीके से बनते हैं, तो आई एम ग्लैड कि मैंने बनाया, एंड अपेरेंटली पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग इट। मुझे पिक्चर्स भी आना शुरू हो गए इंस्टाग्राम पे, और आज की भी रेसिपी आई एम सो श्योर कि आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, विंग्स लेने हैं, 1 किलो विंग्स हैं, एंड मैं क्या करूँगा सारी, सबसे पहले जब भी आप कोई सीजनिंग बनाए मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दें, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक एक करके चीज़ें ऐड कर देते हैं, जिससे फ्लेवर ना प्रॉपर तरीके से हर जगह पे लगता नहीं है, लगता है ना वे कि प्रॉपर एक मिक्सचर बना ले उसके बाद विंग्स ऐड कर दें। सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा एक बड़े बोल के अंदर, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऑब्वियसली टू टेस्ट, मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट अगर घर में इजिली अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं है, पेपरिका, धनिया पाउडर, अब ये है सुमक पाउडर, सुमक पाउडर ऐड करेंगे, बड़ा बेहतरीन सा अर्थी फ्लेवर आता है, और जब आप खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और आपकी जितनी भी डिशेज़ है ना उसका फ्लेवर किस तरीके से चेंज होता है। और इसके अंदर जाएगा बारबेक्यू सॉस, ये सारा का सारा आपने ऐड कर देना, ठीक है, बारबेक्यू सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, एंड ये चिली सॉस चिली केचप नहीं है, जो चाइनीज़ सेक्शन में जो आपके ट्रियो एक पैक आता है ना उसकी ये वो वाली है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि कौन सी चिली सॉस है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सी वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगा ताकि प्रॉपर तरीके से इसका एक मिक्सचर रेडी हो जाए, ठीक है। जैसे ही मिक्सचर रेडी हो जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिप इन कर देंगे, बस ये आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, और इसी के साथ जस्ट मेक श्योर कि इसको एक विस्क की मदद से ना हम मिक्स कर लेते हैं ताकि मैरिनेशन बड़ी बेहतरीन सी हो जाए, ये देखें, ठीक है जी, ये हो गया। और साथ ही में हमने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर जाएगा इसके अंदर 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर से बहुत क्रिस्पी आपके जो है ना इसकी कोटिंग बनती है, और उसी के साथ हमने क्या करना है यहाँ पर फ्लावर ऐड करेंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ सारे के सारे जो विंग्स हैं, ये 1 किलो विंग्स हैं, ऑब्वियसली इसका एक्सेस वाटर जो है उसको निकाल लेंगे यहाँ पर, अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना, और सारे के सारे विंग्स जो हैं हम ऐड कर देंगे यहाँ, ठीक है जी, ये आपने ऐड कर देना है, और इसको बस क्या करेंगे अच्छे तरीके से बस आपने प्रॉपर मसाज दे के ना इसको मिक्स कर देना। और साथ ही में हमारा यहाँ पर शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का जो पैन है वो देख सकते हैं, वो भी बख्तियार भाई ने प्रॉपर बना लिया है, इसी तरीके से आपने प्रॉपर बनाना है। एंड इसको क्या करेंगे, हम रख देते हैं थोड़ा फ्रिज के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, पोक करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री प्रॉपर तरीके से फैलती नहीं है, ये बिल्कुल आपस में ना सुखड़ जाती है, तो इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर प्रिक करना है। एंड ऑब्वियसली अगर आप मीठे के लिए बना रहे हैं शॉर्ट क्रिस्प तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर सॉल्ट मैंने ऐड किया, आप शुगर ऐड कर लें, ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे अभी फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर मैं डाल रहा हूँ फॉर लाइक 5 मिनट ताकि सेट हो जाए, उसके बाद हम सारे का सारा जो हमारा मिक्सचर है वो भी बेहतरीन सा ठंडा जैसे ही हो जाएगा, अभी देख सकते हैं अभी भी गर्म ही है, ठीक है। और साथ में हमारी पालक भी हो गई है, साथ में हमारे जो विंग्स हैं उसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेता हूँ मैरिनेट, ये देखिए प्रॉपर मसाला आपने लगा देना इसके ऊपर अच्छे तरीके से, फुल क्रिस्पी। और इसको हम क्या करेंगे, आप ग्रिल भी कर सकते हैं, इसको आप इजीली ग्रिल करने के बाद तो बेक कर लें या तो स्टीम कर लें, आजकल एयर फ्रायर के ऑप्शन भी बहुत आए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी आप इजीली जो है ना कर सकते हैं। साथ में वेजीज़ हैं, थोड़ा सा उसको सॉल्ट एंड पेपर के साथ, थोड़ा सा मिक्स हर्ब के साथ इसको सीजन करेंगे, और ऑब्वियसली विद ऑप्शन आपका ये है कि इसको बारबेक्यू सॉस हो गई, या सिंपली इसको चीज़ सॉस, मैंने इतनी बार आपको सिखाई है वैसे कर ले, हनी मस्टर्ड हो गई, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं, ये इतने क्रिस्पी वाले नहीं बनते, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि जो ग्रिल वाले होते हैं ना ये वो विंग्स बनेंगे। और ऑब्वियसली मैं विंग्स कर रहा हूँ, आप चिकन भी ले सकते हैं,
हाफ किलो चिकन के स्ट्रिप्स ले लें एंड ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है किस तरीके से आपने इसको करना है। ये देखें बस ये बेहतरीन तरीके से मैं इसको मसाला लगा दिया मैंने। अब ये देखें प्रॉपर ये आपके विंग्स होने चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मसाला ऊपर से डाल देते हैं। और मेरी हमेशा ये होता है रेस्टोरेंट में भी हम लोग ये करते हैं, मैरिनेट अलग से तैयार करते हैं, जैसे विंग्स के ऊपर डाल दिया प्रॉपर तरीके से मसलते हैं, क्योंकि हम लोग बस हल्का हल्का छिड़क देते हैं। वो कहीं जब आप खाते हैं ना तो कहीं सॉल्ट ज़्यादा आता है, कोई मिर्च ज़्यादा आती है, तो ये वजह होती है। इसको अच्छे तरीके से आपने मैरिनेट कर लेना है और मसालों को अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है बस, ताकि बेहतरीन सा आपका जो मिक्सचर है ना यहाँ पर वो रेडी हो जाएगा। यह आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अब इसको भी ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट आपने लाजमी देना है। यहाँ पर इसको रख देते हैं, वैसे थोड़े से ठंडे ही थे तो रेस्ट बड़ा बेहतरीन सा आ जाएगा। साथ में हमारी पालक भी यहाँ पर हो गई है, इसको भी निकाल के हमने क्या करेंगे डायरेक्ट मैं इनफैक्ट इसी के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। ये आपने जो पालक है ये आपने लेनी है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे हमारे सारे के साथ जो मिक्सचर है उसके अंदर। एंड ये समझे कि हाफ बंच है, हाफ़ बिल्कुल आपने मुट्ठी के हिसाब से अपना बंच लेना है एंड इसको अच्छे तरीके से इसको हम वेल इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। एंड थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही होने चाहिए, बिल्कुल इसको आपने जो है ना चॉप नहीं करना, अदरवाइज ये बिल्कुल ये समझे जो इसमें रेशा रेशा जो नज़र आता है वो नहीं आएगा। ये बस ये आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, थोड़ी सी स्टेम्स भी आ गई तो कोई मसला नहीं है, बस ये होना चाहिए। हल्का हल्का आपको पालक भी दिखेगा, ऑब्वियसली वेरिएशन भी आपको दिखेगी। बस ये जैसे ही ठंडा हो जाए हम क्या करेंगे सारा का सारा जो मिक्सचर है वो पोर इन कर देंगे। थोड़े से बिट्स एंड पीसेस भी रह गए, मैं चाह रहा हूँ ये भी निकाल के इनफैक्ट हम ऐड कर ही देते हैं, क्यों कोई चीज़ ज़ाया करें। एंड प्लीज़ कॉल करें। एंड ऑब्वियसली जब घर में आप काम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि किस तरीके से हम काम करेंगे, बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें कभी कभी अप्लाइंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अप्लाइंसेस जो आई वुड से कि हमारे सेकंड हैंड होते हैं और आई वुड से फर्स्ट हैंड होते हैं, क्योंकि बड़ी मदद हो जाती है। तो एनेक्स आपने क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है, अपने किचन्स के अंदर, अपने घरों के अंदर, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। एंड एनेक्स ही बात आती है, एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर भी है, बेहतरीन है। एंड शेक्स बनाएं, मसाले बनाएं अपने, आजकल कितनी ज़रूरत होती है अपने घर के मसालों की, ठीक है। तो लाजमी आने के सारे अप्लाइंसेस लेकर आए ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन सा हमारा मिक्सचर भी हो गया है। अच्छा अब आपने क्या करना है, मैं क्या करूँगा शॉर्टर्स थोड़े निकाल के उसको हल्का सा थोड़ा अभी बेक करूँगा, बहुत फॉर लाइक 2 to 3 minutes, ठीक है। आप लोग जब ब्रेक लेके आए जब तक ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए, इसके पास वापस निकाल के मिक्सचर ऐड करेंगे, देन अगेन विल टॉस दिस इनटू द ओवन। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आए। स्मोक्ड चिकन विद वेजीज अज्जा, चिकन विंग्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, सुमक पाउडर आधा चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, फ्राइड वेजीज 4 अदद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी दोनों रेसिपी जो है ना इन प्रोसेस हैं। यहाँ पर हमारे जो विंग्स हैं स्मोक्ड विंग्स वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर मैरिनेट हो गए हैं, समझे 5-10 मिनट तो इसको अच्छे खासे होने चाहिए ताकि मसाला अंदर तक रच जाए। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट्री को निकाल लिया था, समझे थोड़ी सी हीट लगवाई है ताकि हल्की सी श्रिंक ये जो है ना होना शुरू हो जाएगी। ट्रिक अच्छे तरीके से आपने करना, मिक्सचर को मैंने क्या किया था रख दिया था यहाँ पर फुल फ्रीज़र के अंदर ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। अच्छा ये कि आपने इसको अच्छा ठंडा कर देना है ताकि ये वेल रेस्टेड होगा, ठंडा होगा तो आपकी जो पेस्ट्री है ना उस पर भी कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। अब क्या करना है सारा का सारा जो मिक्सचर है वेरी जेंटली आपने इसके अंदर सारा का सारा ऐड कर देना है, ठीक है। स्पिनच भी है ऑब्वियसली, सारा का सारा मिक्सचर ऐड करेंगे, फुल लोडेड करके आपने करना है, बट ऑब्वियसली ज़्यादा ओवर डू भी ना करें। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है जी। इसको आपने बहुत हल्के हाथ से ताकि आपकी जो पेस्ट्री है ना वो ख़राब ना हो, उतने ये मज़ेदार बनता है। मैं आपको बताऊँ आप कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये कि बाज़ार में यूजली इसी तरीके से दिया जाता है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से फिल इन कर लिया,
आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, अंडे ऑब्वियसली आपकी मर्जी है, आपने जिस हिसाब से लेना है। तो मैं यहाँ पर एक अदद अंडा ले रहा हूँ, इसको यहाँ पर हल्का सा हम क्या करते हैं, एक अदद अंडा यहाँ पर ले गया इधर, इसको सेंटर में आपने इस तरीके से ऐड करना है, ख़ुद ब खुद अपनी जगह बना लेगा ये, ठीक है जी। इस तरीके से रखना है आन, यहाँ पर हमारा दूसरा अंडा, ठीक है, ये अपने हिसाब से आप इसको यहाँ सेट कर दें। ऑलराइट, ये चला गया। और इसी के साथ सबकी फेवरेट चीज़ हम ऐड करेंगे, ये रहें प्रॉपर तरीके से आपने, ये मोज़रेला चीज़ है, चेडर ले लें, मोज़रेला ले लें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है इसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपने कर लिया, एंड ऑब्वियसली हम देसी लोग हैं तो हमें स्पाइस जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आता है, तो थोड़े से यहाँ पर चिली फ्लेक्स, इस तरीके से आपने थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, फुल मज़ेदार ये जो आपका ना कीश रेडी हो जाएगा। मेक श्योर करें जब भी जैसे आपका नीचे से अगर ये स्लिट हो रही है, पैन निकल रहा है, तो साइड्स पकड़नी है, नीचे से ना पकड़ें वरना सारा का सारा क्रस्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इनटू द ओवन, इनफैक्ट मिडिल रैक पे मैं रख देता हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से कुक भी हो जाए, एंड सारी की सारी इवेंचुअली हमारी हर चीज़ पकी हुई है, बस जो हमारे अंडे जो इसके अंदर जो हमने ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से वेल कुक्ड होने चाहिए, एंड सनी साइड अप हमेशा ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में तो यूजली ऐसे इतना पसंद नहीं करते, जो फ्राई ऑमलेट होता है ये इसकी वैसे खासियत है कि जैसे आप अंडे पीस काटेंगे तो इसकी जो सनी साइड है ना वो थोड़ी सी जो एग योक है वो रनी हो प्रॉपर तरीके से, लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस होती है किस तरीके से आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारे यहाँ विंग्स भी रेडी होने वाले हैं, बस इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ग्रिल पैन पे, या आप सिंपल इसको बेक भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, एंड आजकल एयर फ्राई के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो आप सिंपली इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं जितने भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी है कि बेक भी नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली सबकी अपनी चॉइस है, इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये सारे के सारे जो विंग्स हैं मैं पहले यहाँ पर लाइन अप कर देता हूँ, ये 1 किलो से ज़्यादा विंग्स हैं वैसे, आप ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, इसके ऊपर थाइस भी कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार से इसका फ्लेवर आएगा, फुल स्मोकी फ्लेवर है ये, एंड इसको अगर आपको और ज़्यादा लग रहा है तो चारकोल का थोड़ा सा धुआं भी दे सकते हैं आप इसको। आई थिंक जितने आ रहे हैं उतने हम ऐड कर देते हैं, और सारा का सारा जो मसाला है ना मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉपर तरीके से फुली लोडेड आपने, क्योंकि विंग्स हैं तो अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे, ये इस तरीके से प्रॉपर कलर आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में जो सारे के सारे हमारे पास ये पोटैटोज़ थे, मैं क्या करूँगा इसी मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूँगा ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन इसके अंदर भी आए। थोड़े से मिक्स हर्ब्स हैं मेरे पास, वो यहाँ पर मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ, और सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पर मिक्स करेंगे। एक यहाँ पर विंग रह गया, उसको मैं निकाल के वो भी हम प्रॉपर तरीके से ऐड ऑन कर लेंगे, एंड इसको आपने मसाले के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना, एंड फ्राइज़ को भी, या विंग्स हो गए आपके, वेजेस हो गए, या मैश पोटैटोज़ हो गए, इसके साथ आप इजीली इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े से वैसे ही बॉईल कर लिए थे वेजेस को, अच्छा होता है कि थोड़ा बॉईल कर ले, अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे हल्का सा पैन फ्राई कर लेंगे, फ्लेवर भी बड़ा बेहतरीन आ जाएगा, फुल आपका जितने भी विंग्स का मसाला लगा हुआ है वो फ्राइज़ पे भी आ जाएगा, ताकि बिल्कुल ब्लैंड ना रहे, क्योंकि यूजली जब आप कहीं बाहर खाने जाते हैं तो सारा का सारा जो मसाला है ना वो समझे विंग्स पे अलग अलग तरीके से लगा होता है और मज़ा भी नहीं आता। और साथ में हमारा क्रीश भी आप देख सकते हैं फुल बेहतरीन सा होने वाला है, चीज़ भी मेल्ट होगी इंशाल्लाह, मैं आपको एक पीस भी कट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारी की सारी रेसिपीज को फॉलो करना है, और हमारे जो विंग्स हैं वो भी यहाँ पर रेडी हो रहे हैं अच्छे तरीके से। इसको टाइम लगेगा थोड़ा 5 से 10 मिनट ताकि ईजिली बेहतरीन से बन जाए। ऑब्वियसली इसके अंदर आप चिकन टेंडर्स होते हैं वो यूज़ कर लें, ड्रम स्टिक्स होती हैं उसको भी आप ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एंड साथ में प्लीज़ आप कॉल करें। एंड अपेरेंटली जो एनेक्स आज हम दे रहे हैं इट्स अ गिफ्ट, ठीक है, तो आप लाजमी कॉल करें, कॉल करके मुझे ये बताएं कि हमने 2 ऐसी कौन सी स्पाइसेस जो है ना हमने विंग्स के अंदर ऐड की हैं, कोई भी मसाले 2 बता दें जो हमने ऐड किए हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा है ये, अगर आप लोग शो देख रहे हैं ताकि आप लोग ईजिली जो है ना एनेक्स का ये बेहतरीन सा डिलक्स ब्लेंडर विन कर सकते हैं, एंड ग्राइंडर बेहतरीन सी चीज़ है, आई थिंक हर घर में ही होनी चाहिए। और मैं तो क्या करता हूँ यूजली ऐसे अभी शो से भी
फ्री हो के मुझे हमेशा एक कोई शेक हो गया, बनाना शेक हो गया या ड्राई फ्रूट शेक हो गया लाजमी ज़रूरत होती है, तो आप इजीली इसके अंदर बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, चटनियाँ बना सकते हैं, मसाले अपने पीस सकते हैं, बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है। कॉल करें, बस आपने ये बताना है कि विंग्स के अंदर कौन से दो मसाले मैंने यूज़ किए हैं। बड़ा आसान मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी कॉल करें, कॉल करके मुझे लाजमी आप ये बताएँ। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे विंग्स भी हो रहे हैं, हल्का सा ग्रिल पैन पे मैंने इसको, हमने क्या किया था, ग्रीस कर लिया था। अब ये इसी तरीके से बड़े बेहतरीन से यहाँ पर बन जाएंगे। साथ ही मैं थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, पैन भी निकाल लेते हैं, दूसरा पैन जिसमें ईजिली ये जो आपका एक्स्ट्रा जो बच गया सारा का सारा, अब ये वापस आप किसी और चीज़ में भी रीयूज़ कर सकते हैं। आपकी कोई भी फिलिंग हो गई उसके अंदर कर लें, या साथ में इसको थोड़ा सा रख लें, आप स्टेक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे पोलो चिकन होता है उसमें भी आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फिलिंग्स मैंने बताई हैं आपको कि ब्रेड रोल्स हो गए, ब्रेड पॉकेट्स हो गए, उसके अंदर और मज़ीद ऐड कर दें, सैंडविचेस के अंदर भी इजीली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे प्रॉपर तरीके सीजन भी हो गए हैं पोटैटोस, साथ में हमारा कीश अवन के अंदर है, ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ, जब तक अच्छे तरीके से विंग्स मैं यहाँ पर बेक कर लेता हूँ, और मज़ीद हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा जो है ना ग्रिल पर फ्लिप कर लेते हैं। स्मोक्ड चिकन विद वेजीज अज्जा, चिकन विंग्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, सुमक पाउडर आधा चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस एक खाने का चमचा, सोया सॉस एक खाने का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, चिली सॉस एक खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर एक चौथाई कप, मैदा दो खाने के चमचे, फ्राइड वेजीज चार अदद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारे विंग्स को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, उसी ग्रिल पैन पे जो है ना वो चिपक रहे थे, तो अच्छा यहाँ पर बेहतरीन सा ये फ्राई कर लें इसको, हल्का सा शैलो फ्राई। एंड ये है कि आपकी ग्रिल बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, आजकल कास्ट आयरन पैन्स बड़े बेहतरीन आए हुए हैं, तो अगर उस पर करें ना ताकि बड़ा आपका बेहतरीन से मार्क्स भी आ जाएंगे, वरना जो आज के दूसरे पैन्स आए हुए ना उससे बिल्कुल मज़ा नहीं है, वो चिकन भी चिपक जाता है, बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता उसमें। और साथ ही मैं यहाँ पर हमारे जो वेजेस हैं उसको भी यहाँ पर हल्का हल्का चालो फ्राई करें, थोड़े से पार बॉयल मैंने कर लिए थे, और साथ ही में कीश देखें, बड़ा बेहतरीन सा टेम्परेचर मैंने अब बढ़ा दिया, ऑब्वियसली 200 कर दी, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रस्ट को पकाना है और जो हमारी चीज़ है उसको हल्का सा मेल्ट करके मुझे कलर लेकर आना, दैट्स इट। अब यहाँ पर इसको इनफैक्ट मैं आपके सामने खोलूँगा तो नहीं, लेकिन ये कि समझे 5 मिनट के बाद ये समझे इसको मैं निकालूँगा, बड़ा बेहतरीन से इसके पीसेस भी निकल जाएंगे। और इसी तरीके से आप जो है ना, ये बेहतरीन सी टिप ये भी है कि जब भी आप शॉर्ट क्रस्ट बनाएं तो कोशिश ये करें इसको रेस्ट जो है ना आपने लाजमी देना है, रेस्ट समझे 15 to 20 minutes इसको लाजमी दें, मैक्स टू मैक्स 30 minutes का रेस्ट होना चाहिए, क्लिंक करके उसको अच्छे, जैसे आपने प्रोसेसर से निकाला उसको प्रॉपर, अगर उसमें फिर भी दानेदार आ रहे हैं तो आप उसको निकाल के क्या कर सकते हैं, उसको जो है ना ईज़िली इसको वापस गूंद लें, ठीक है, यही उसकी चीज़ है। और खुशबू बड़ी बेहतरीन से इसके आ रही है, शुरू हो गई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको आपने पकाना है, ये फुल वो वाले नहीं बनेंगे जो क्रिस्पी आपके विंग्स होते हैं, ये बस ये बिल्कुल सॉफ्ट से आपके बनेंगे, और हर कुछ कुछ जगह से क्रिस्पी होंगे, कुछ जगह से नहीं होंगे, इसी तरीके से आपने जो है ना विंग्स को प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है जी, इसको मैं ढक रहा हूँ यहाँ पर और मज़ीद ताकि ये प्रॉपर तरीके से पक जाए अंदर तक। और अच्छा, वैसे ये भी एक और टिप है कि इसको हल्का सा पहले आप बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप बॉयल कर लेंगे तो इसका जो चिकन है वो सॉफ्ट और सकुलेंट नहीं बनेगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, जो आपको हाइटीज में मिलता है, क्योंकि वो इतना पका लेते हैं, रीफ्राई कर रहे होते हैं विंग्स को, जिससे आपका जो विंग है ना बेचारा अकड़े आता है, बिल्कुल उसको पता ही नहीं चलता उसका गोश्त है भी या नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर हमारे जो वेजेज़ हैं वो भी हो रहे हैं इसको सर्व करने के लिए, साथ में वही मसाला मैंने सिंपली इस पर ऐड किया है ताकि ईज़िली जो है ना आप लोग कोई ब्लैंड चीज़ ना हो, इस तरीके से प्रॉपर आपने इसको हल्का हल्का शैलो फ्राई कर लेना है, ये इस तरीके से। एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे ये बताएं कि कौन से दो स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे हमारे जो विंग्स का मिक्सचर था उसके अंदर, ताकि आप लोग जो है ना एनेक्स का ये गिफ्ट हैम्पर जीत सकें, बड़ी अच्छी ऑफ़र है, और आजकल ऐसी चीज़ें ये घर में होनी चाहिए लाजमी,
ठीक है, मेरे घर में तो लाजमी समझे कि इसके बगैर तो आई थिंक गुजारा ही नहीं है, आपका ब्लेंडर हो गया ताकि ईज़िली आप सारी चीज़ें बना लें और लस्सी बना लें। आजकल वैसे इतनी गर्मी है तो दिल चाहता है कुछ मज़ेदार सी ड्रिंक्स होनी चाहिए, लस्सी बनाएं, मिल्क शेक्स बनाएं, और आजकल वैसे ही हमें समझ नहीं आ रही होती बाज़ार के जो मसाले उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो अच्छा है कि आप मसाले भी प्रॉपर तरीके से पीस सकते हैं। बस यहाँ पर वेजीज भी बड़े बेहतरीन से देख सकते हैं कलर आना शुरू हो गया है। इसको हल्का सा ये कि पहले बॉयल कर लें 5 से 10 मिनट ताकि एक कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए, फिर भी थोड़े हार्ड रहें आपके जो आलू हैं। उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लें, कोई कॉर्नफ्लावर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल वही मसाले के अंदर मैरिनेशन के अंदर मैंने ऐड कर लिया है और उसी तरीके से थोड़ा सा हर्ब्स भी ऐड किए साथ में। हमारा कीश की कलर बड़ी बेहतरीन सी आना चाहिए, देखें वेली होप आपको नज़र आ रहा होगा। कच्चे अंडे मैंने ऐड किए हैं, वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप ऐड करें, लेकिन ये कि कीश के अंदर अंडे ऐड किए जाते हैं, थोड़ा स्क्रैम्बल करके भी ऐड कर सकते हैं एंड और मज़ीद थोड़े से आपके चाइव्स हो गए, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस हो गए, वो उसके साथ गार्निश कर लें। यहाँ पर हम इसको साबुत इसी तरीके से रखेंगे, इंशाल्लाह जैसे ये पक जाएगा कोशिश मेरी होगी कि मैं काट के दिखाऊं। वैसे इसको भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, गर्मा गर्म इसको नहीं काटते, शॉर्टकट इसको गर्म काट लिया तो समझें क्रम्बल होना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो वो भी आपको पीस जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बड़े बेहतरीन से ये जो है ना एक एक पीस बड़ा बेहतरीन होगा। ऑब्वियसली चीज़ भी ऐड की है, मोज़रेला चीज़ ऐड की है, साथ में हमारे वेजेस भी हो गए और ईज़िली सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपकी, ये देखें हमारे विंग्स भी यहाँ पर स्मोक्ड विंग्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। यही सिंपल आपने विंग्स मैंने इसी तरीके से बनाने हैं एंड हल्के हल्के से थोड़े से यहाँ पर चार कलर आ गए, हल्के से क्रिस्पी होंगे, हल्के से सॉफ्ट होंगे और मैंने अब चूल्हा कर दिया बंद ताकि इसी की स्टीम के अंदर ये प्रॉपर तरीके से पकते रहें। बड़ी इजी रेसिपी है और इंशाल्लाह कल की भी, कल तो जुम्मा है खैर से, और जुम्मे की जो रेसिपी है हम बनाएंगे फ्राई कबाब, और ये वही फेमस फ्राई कबाब है जो मेरा भी फेवरेट है। बहादुराबाद की साइड पे एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है वहाँ पर और सदर में भी है, तो वहाँ पर जाके ना लोग इन्जॉय करते हैं, पूरियाँ भी फ्राई करेंगे और साथ में बनेगी, बड़ी फरमाइश थी ब्राउनीज़ की, ठीक है। तो ब्राउनीज़ भी आई नो काफ़ी वियर्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये है कि ब्राउनीज़ ही मैंने सोचा ऐड कर लूँ क्योंकि यूट्यूब के सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के और सारी चीज़ें देखता हूँ कि क्या क्या फरमाइशें आ रही हैं, एंड ये है कि इंशाल्लाह वो भी पूरी कर दें। एक किसी की आई थी गार्लिक ब्रेड की, तो गार्लिक ब्रेड मैं बहुत बार बना चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब के पेज पर जाएँ और वहाँ पर पुरानी जितनी हमारी एपिसोड्स हैं वहाँ पर जाके ईज़िली देख सकते हैं कि क्या क्या रेसिपीज़ हमने जो है ना वहाँ बनाई हैं प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर अब अपलोडिंग भी शुरू हो गई है, ठीक है, तो सारी रेसिपीज़ भी हैं। और अगर कोई मिस आउट हो जाती है कोई चीज़ तो हमारा मसाला मैगज़ीन है जिसके अंदर सारी की सारी हमारी चीज़ें, सारी रेसिपीज, इट्स बेसिकली अ होल की ऑफ मसाला टीवी, एंड इसके अंदर सारे इंटरव्यूज़ भी हैं, सारी रेसिपीज़ भी हैं, खाली मेरे ही नहीं सारे शोज़ के, एंड सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर समझे मौजूद है, इट्स बेसिकली अ होल सम की। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जाएं ब्रेक से, जैसे ही वापस आएंगे बस आपके सामने सारी चीज़ें डिश आउट करेंगे। स्मोक्ड चिकन विद वेजीज अज्जा, चिकन विंग्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, सुमक पाउडर आधा चाय का चमचा, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, फ्राइड वेजीज 4 अदद। तरकीब, एक बोल में चिकन और वेजीज को तमाम सीजनिंग के साथ मैरिनेट करें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट ग्रिल या बेक करें कि वो तैयार हो जाए। स्पिनच कीश, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के अज्जा, मैदा 200 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 100 ग्राम, अंडा 1 अदद, फिलिंग के लिए पालक ब्लांच्ड हस्बे जरूरत, बची हुई चिकन हस्बे जरूरत, चीज ऑप्शनल हस्बे जरूरत, फिटे अंडे 2 अदद, क्रीम आधा कप, कुटी लाल मिर्च हस्बे जरूरत, दूध आधा कप, मैदा 1 खाने का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा। तरकीब, एक फूड प्रोसेसर में मैदा, नमक और मक्खन मिक्स करेंगे, क्रम्स बन जाएं।
अब अंडा मिलाकर डो बनाएं, जरूरत हो तो ठंडा पानी शामिल करें और फ्रिज में 30 मिनट रख दें। फिलिंग के लिए पालक, चिकन, क्रीम, दूध और बाकी सीजनिंग को अच्छी तरह पका लें। असेंबलिंग के लिए 9 या 10 इंच की बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके एक तरफ रख दें। अब टेबल पर मैदा छिड़क कर डो को रोलिंग पिन से बेल लें, फिर क्रस्ट को बॉटम पे डाल के किनारे प्रेस करें, फिलिंग शामिल करके सेट होने दें। उसके बाद अंडे डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें कि वो गोल्डन हो जाए और अंडे पक जाए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी, जो हमारा बेहतरीन सा कीश है ये यहाँ पर रेडी हो चुका है, ये देखें, फुली लोडेड एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना, ये लें, बेहतरीन सा कीश भी रेडी हो गया, हमारे विंग्स का पूरा प्लाटर भी रेडी हो गया है। एंड ऑब्वियसली विंग्स की आपकी चॉइस है, ये किस तरीके से आपने बनाने, इसको बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, एंड इसी तरीके से आपने दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करना है। ये देखिए बड़ा बेहतरीन सा इसका जो क्रस्ट है ना यहाँ पर फुल, ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री हमने फ्रेश बनाई थी, ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम होता है तो जल्दी जल्दी हमने बनाया, लेकिन ये कि आपने इसको प्रॉपर वेल रेस्ट, आपका जो डो है होना चाहिए पेस्ट्री को फॉर लाइक 15-20 मिनट्स अच्छे तरीके से क्लिंग करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। वेल रेस्टेड होगा तो ही बड़ा बेहतरीन सा फुल क्रस्टी और मज़ेदार सा बनेगा। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.